कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भाई अशोक आया सम्मानित साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं कमल सिंह वालिया, आप देख सकते हैं भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। साथियों, इस नालायक गुंगी बैरी सरकार का रवैया देखिए। जो शख्स अपने महापुरुषों का जन्मदिवस के लिए निकला था, नालायक सरकार हमें रोकने का कार्य कर रही है साथियों, और रोकने के बावजूद भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की हुई हालत खराब। साथियों, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरठ, और हमको क्या है, हमको कर लिया है इन लोगों ने गिरफ्तार, और हालत बिगड़ने पर ये लोग, जबकि दिल्ली एम्स में भाई साहब का इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ ना भेज करके ये लोग ज़बरदस्ती मेरठ दिखा रहे हैं। जब साथियों ने प्रेशर बनाया, माता बहनों ने प्रेशर बनाया, उनके बावजूद जाकर के कहीं जाकर के इस नालायक प्रशासन की आँख खुली और इन्होंने भाई को मेरठ के लिए रेफर किया। और मैं और शेखर भाई और साथ में साथी है, हम सब लोग मेरठ जा रहे हैं। साथियों, आप सब लोगों से एक निवेदन है कि आप सब साथी हौसला बनाए रखें, अपनी हिम्मत को बनाए रखें। साथियों, इस नालायक गुंगी बैठी सरकार को मुँह तोड़ जवाब देना है, इस शासन प्रशासन को दिखा देना है कि साथियों हम टूटने वाले नहीं है, ना तो झुके थे ना झुकेंगे, और ना बिके थे ना बिकेंगे। साथियों, आपको एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ मजबूत करने हैं, और जो उन्होंने आह्वान किया है 15 मार्च माननीय साहब काशीराम जी के जन्मदिवस के लिए, यानी कि जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर पर सब साथी हौसले के साथ, इसी हिम्मत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में पहुँचे। मेरा आप सभी से निवेदन है साथियों, आप इस आप भाई की हालत को देख सकते हैं, कितनी नाजुक भाई की हालत बनी हुई है, और ये नालायक सरकारें यहाँ के मोदी और ये योगी जिनके कि कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। साथियों, और यहाँ का नालायक प्रशासन जिन्होंने जो इस हालत का जिम्मेदार है। साथियों, मेरा आप सब साथियों से निवेदन कि आप सब साथी शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें, और साथियों क्योंकि यहाँ ये सरकारें एक काम करती है, प्रशासन को पार्टी बनाती है। साथियों, ये लोग प्रशासन को पार्टी बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। साथियों, क्या आप सब साथी इस पोस्ट को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का काम करें, इस वीडियो लाइव को शेयर करते रहें। साथियों, आप देख सकते हैं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की हालत नाजुक बनी हुई है। हम लोग मेरठ पहुंचने वाले हैं, जो साथी हम तक पहुंच रहे हैं, पुलिस उन्हें भी रोकने का काम कर रही है। साथियों, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी व्यवस्था बनाए रखें, और बाइकों को ज़्यादा मत दौड़ाएं, क्योंकि साथियों सभी साथियों की जान सलामत चाहिए, सभी साथियों का सलामत रहना आवश्यक है। अगर नालायक गुंगी बैरी सरकार से लड़ना है तो हम सबको सुरक्षित रहना आवश्यक है। साथियों, हम सब एक दूसरे की जिम्मेदारी है, सब साथी व्यवस्था का ध्यान रखें, व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, और इस नालायक प्रशासन को दिखा दें कि ये पूरा देश एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है, साथ 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 है और साथ रहेगा। साथियों, मैं आपको बारी बारी लाइव आकर इस लाइव वीडियो के माध्यम से भाई की हालत से रूबरू कराता रहूँगा। बस आप सब साथी शांति बनाए रखें। जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जिंदाबाद।